नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आप लोगों को यह पता जरूर होगा कि कभी भारत को यूरोपियन देश एक स्नेक कंट्री यानी सपेरों का देश बोला करते थे, लेकिन आज के दौर में भारत को वही सारे देश स्पेस कंट्री या फिर मिसाइल कंट्री के नाम से जानते हैं। मतलब दोस्तों भारत ने कितना ज़्यादा डेवलप कर लिया, अपने आप को परिवर्तन कर लिया, इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी अंदाजा हो गया था। और भारत जिस गति से अपने आप को बदला है उस गति से शायद ही कोई देश आगे बढ़ा हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला कल निश्चित ही भारत का होगा, क्योंकि भारत सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, विश्व गुरु बनेगा और दुनिया पर राज करेगा। और अभी को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत की एक ऐसी मिसाइल जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि भारत को बहुत ही बड़ी शक्ति प्रदान कर सकती है। और इतनी खतरनाक मिसाइल है कि यकीन मानिए दोस्तों एक मिनट में ही आज दुनिया को पार कर सकती है। और जिस दिन वह मिसाइल बनकर भारतीय सेना में शामिल हुई उस दिन अमेरिका और यूरोपियन देश की बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उन्हें लगता है कि अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वह सभी मिसाइलों को बहुत ही जल्दी बना लेते हैं, अपेक्षा कि एशिया महादेश के दिशा से। तो लेकिन दोस्तों उनकी गलतफहमी बिल्कुल दूर होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उस मिसाइल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली डिफेंस की अपडेट आपको समय से मिल सके और आप डिफेंस के नॉलेज को जान सकें। दोस्तों आज आपको पता होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का जमाना है, क्योंकि दोस्तों सभी मिसाइलें नॉर्मल मिसाइलों की क्रूज मिसाइलें और या फिर ब्लास्टिक मिसाइलें, ये सारी की सारी मिसाइलें आप ज़्यादातर देशों के पास हो गई हैं। लेकिन अगर बात करें जाए हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिनकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड क्रॉस कर जाती हैं, वह दोस्तों उन मिसाइलों का जमाना आने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि रशिया जैसे देशों ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाकर अपनी सेना को शामिल कर लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत भी अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहा है। और खासकर दोस्तों यह मिसाइल चाइना के X-400 को देखते हुए डेवलप की जा रही हैं। और चुटकियों में भी दोस्तों, यकीन मानिए मेरा दोस्तों, चुटकियों में भी चाइना के X-400 स्वाहा हो सकता है इस मिसाइल के जरिए। जिस दिन दोस्तों यह मिसाइल बनकर तैयार हुई, और दोस्तों यहां पर बात करें हम इस मिसाइल के नाम के बारे में, तो इस मिसाइल का नाम तो दोस्तों रुद्रम 3 मिसाइल, और यह मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसकी स्पीड में आपको बता दूं कि 7 मैक्स+ होगी, 7 मैक्स से लेकर 10 मैक्स तक इसकी स्पीड बताई जाती है। और इतनी स्पीड वाली दोस्तों मिसाइलें भारत इस्तेमाल करता है चाइना के खिलाफ, तो चाइना के किसी भी हथियार को बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों वहीं पर इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर से लगभग 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। मतलब दोस्तों चाइना के जो मेन शहर हैं उनको इन मिसाइलों से आसानी से टारगेट किया जा सकता है। चाइना का मेस आसानी से यह हो सकता है, वहीं पाकिस्तान को भी यह मिसाइल धूल चटा सकता है। तो दोस्तों यह मिसाइल के बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। क्या चाइना और पाकिस्तान इससे खौफ खाएगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सभी भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।